जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट ने आज जो है वो डाउनवर्ड मूव जो दिखाई है वो किस कदर आने वाले दिन में जो है वो इफेक्ट कर सकती है। क्या ये कंटिन्यू होगी या सिर्फ आज के दिन में ही सिर्फ इसका इम्पैक्ट होगा, कल कुछ मामला पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं, तो इस जिन चीजों का थोड़ा बहुत जायजा लेने की कोशिश करते हैं। आज जो है जी वो मार्केट ने 377 पॉइंट निकाले। मेरा ये ख्याल है कि आपको 400 पॉइंट्स ही इसको कंसीडर करना चाहिए कि मार्केट ने आज तकरीबन 400 पॉइंट्स निकाले। देखिए अभी चंद दिन पहले से हम तकरीबन हर रोज ये बात कर रहे हैं कि देखिए अब मार्केट कुछ इसी कदर मूव करती हुई नजर आ सकती है कि कभी कुछ 100 निकल गए, कभी कुछ 200 आ गए, कुछ बकायदा तौर पर कोई ट्रेंड सेटिंग जो है वो अभी कुछ होती हुई नजर नहीं आ रही। इसको कहते हैं मार्केट का साइडवेज होना, ये कल भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था। ऑल शेयर की बात करें तो 186 पॉइंट्स का इजाफा है। देखिए ऑल शेयर के अंदर 100 पॉइंट से ऊपर का इजाफा और मेरा ख्याल है शायद मैंने 186 पॉइंट का इजाफा कह दिया है, ये 186 पॉइंट की कमी है। तो बात मैं ये करना चाह रहा था कि देखिए ऑल शेयर के अंदर कोई 100 प्लस पॉइंट का इजाफा हो तो वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, और अगर 100 प्लस पॉइंट्स की कमी हो तो उसको भी उसका भी बगौर जायजा लेना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि सारी मार्केट में से पॉइंट्स निकले हैं, किसी चंद मखसूस सेक्टर में से या शेयर में से नहीं, बल्कि इसका जो इम्पेक्ट है वो पूरी मार्केट पर पड़ा है। तो उसका इंशाल्लाह समरी में भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे। KMI 30 की बात करें तो उसमें से 600 पॉइंट्स निकले हैं, 1.5 times जो है ना वो KSE 100 के अगेंस्ट अगर हम देखें तो। तो बहरहाल देखिए जिनके पास KMI 30 के शेयर्स हैं वो लाजमन जो है वो कुछ चीजों को का गौर फरमाइए या फिर जो है उसकी एवरेज करने की तैयारी करें। मेरा ख्याल है कि अब उनको तैयारी करनी चाहिए। काफी सारे शेयर हमारे और हमारे पास हमारे दोस्तों के पास थे, उनमें से काफी तो हमने स्विचिंग वगैरह कर ली है, कुछ और मामलात को भी देखा है। मकसद सिर्फ ये होता है कि क्या मार्केट का मूड जो है वो आपको ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको स्विचिंग वगैरह करनी चाहिए या एक अच्छे लेवल का इंतजार करके वहां पर आपको एवरेज करना चाहिए। लेकिन अब जो है वो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, चीजें बहुत जल्द जो है वो अपनी जगह पर वापस आती हुई नजर नहीं आ रही। आगे चलते हैं कंपनीज सर्किट ब्रेकर में देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में देखें तो माशाल्लाह आज भी 14 कंपनीज अपर कैप हैं। सर्फ हुआ, पीको शीको हो गए, ऑक्टोपस हुआ, चलें अच्छी बात है यार। बैंक इस्लामी पाकिस्तान, BAPLS जो है ये भी हुआ, ये उनका सिक्योरिटीज का है, ये वो बजाते खुद आप नहीं है बल्कि उनका ये भी उनका भाई है। लेकिन मां सवाए बल्कि कोई भी अगर हम देखें ना तो ये जितने भी शेयर्स आज अपर कैप हुए हैं इसमें आप ट्रीट को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीट जो है वो तकरीबन डेली ही ट्रेड होता है। बाकी इसके अलावा तकरीबन जितने भी ये अपर कैप हुए हैं बस थोड़ा सा सोच समझ के चलिएगा। आगे चलते हैं लोअर कैप की बात करें, खैबर टोबैको कल ऊपर था, आज ठग करके नीचे कल 7.5% ऊपर, 7.5% नीचे। दाऊद इक्विटीज जो है वो भी एक बार फिर नीचे की तरफ है। ठीक है यार, अब बहुत सारे शेयर चूंकि ऊपर निकल चुके थे बगैर किसी वजह के, तो अब वो वापस भी बगैर किसी वजह के ही आए चाहते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू में टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल लीड किए हुए है, दूसरे नंबर पर सीमेंट सेक्टर है। इसका मतलब ये है कि सीमेंट सेक्टर को शायद मार ज्यादा पड़ी है। दोबारा देखते हैं आगे समरी में जाके, और सबसे लास्ट पे है ग्लास एंड सिरामिक्स।
टॉप 10 सिंबल्स में देखें तो टेली 30 प्लस मिलियन का वॉल्यूम है, एसगार्ड 9 है, वर्ड कॉल, इन सब का ताल्लुक जो है वो चूंकि आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ है, तो लिहाजा आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर लीड इन्हीं की वजह से कर रहा है। बाकी जो बातें हो रही हैं वो इंशाल्लाह आगे चल के देखते हैं। बहरहाल FNEL में कल बहुत अच्छी मूव थी, आज भी मुझे एक वक्त में लगा कि शायद मार्केट जो है वो फिर कोई एक और कैप दिखाने के मूड में है FNEL का, लेकिन 9 रुपए से फिर ये पलट आया और फिर काफी नीचे चला गया। कोई बात नहीं यार, छोटा शेयर है, इस किस्म के गोले इसके अंदर घूमते रहते हैं, इसलिए जिन जो दोस्त अहबाब इनमें काम करते हैं वो थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठे। आगे चलते हैं, सिंबल पोजीशन जो है एडवांस के अंदर सिर्फ 19% है, डिक्लाइन के अंदर 73%, तो ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है। कल जब हमने देखा था तो कल हमें जो है वो इसमें थोड़ा सा ये चीज नजर आ रही थी कि एडवांस और डिक्लाइन के अंदर जो फर्क था वो बहुत कम था, लेकिन आज वो 3 टाइम्स जो है उसमें इजाफा हो चुका है, तो चीजें जो है वो थोड़ा सा जमूद का शिकार होती हुई नजर आ रही हैं। जमूद क्या होता है इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। 221 डिक्लाइन में है, 155 एडवांस में। आज बड़े दिनों के बाद जो है वो अलगाजी ट्रैक्टर जनाबे अली हुआ है ग्रीन, और उसने 360 का हाई मारा, बड़ा अच्छा हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग वहीं पे हुई जहां से ये चला था। दोनों गंधारे भाई आज बहुत अच्छा चले, 8 रुपए का और 4 रुपए का इजाफा है। चलें जिनके पास है वो यशी फरमाएं यार। साजगार में ठीक है, 144 तक चला गया है, 150 तक चला जाएगा और कहां तक जाएगा बेचारा। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें, बैटरीज आज नीचे रही और दोनों के अंदर अच्छा डिक्लाइन है। जिस तरह से इनके अंदर इजाफा बहुत अच्छा होता है उसी तरह से इनके अंदर डिक्लाइन भी बहुत अच्छा है। उसके बाद पैंथर टायर में 32 पैसे की कमी है और जनरल टायर के अंदर 36 पैसे का इजाफा है, और 65 रुपए का इसने हाई लगाया, हाई बहुत अच्छा है इसका। तो जिसने 62 पर लिया हुआ यार, वो अगर 65 पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर भी लेता तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट बैड। अगर 62 पे लेके आप 65 पे बेचते हैं तो मेरा ख्याल 5% तो बनता ही होगा प्रॉफिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बहुत है यार, और क्या चाहिए। केबल एंड गुड्स की बात करें तो आज सारे ही नीचे हैं, और सबसे ज्यादा मार जो पड़ी है मेरे ख्याल में वो पेल को पड़ी है, क्योंकि 27 रुपए का शेयर है और 27 रुपए के शेयर में से निकला है 1 रुपया। चले ठीक है यार, कोई बात नहीं। फिर भी सीमेंट सेक्टर, यस, हमें इसी चीज का खदशा था कि जब हमने गौर किया तो ग्राफिकल व्यू के अंदर तो सीमेंट सेक्टर चूंकि दूसरे नंबर पर था, तो इसलिए सीमेंट सेक्टर को आज मजीद मार पड़ी और अच्छी खासी पड़ी है आज तो। आज तो अगर समझें तो आपको अटक सीमेंट को भी मेरा ख्याल लोअर लॉ कंसीडर करना चाहिए, बेस्ट वे को भी करना चाहिए, चिराट को भी करना चाहिए, डीजी खान को भी आपको कंसीडर करना चाहिए कि ये लोअर कैप ही है। उसके बाद दीवान सीमेंट को नहीं, फौजी सीमेंट को भी लोअर लॉ कंसीडर करना चाहिए। अब ये देखिए, ये जो मैं ये आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, लकी को भी आपको लोअर लॉ कंसीडर करना चाहिए, पाइनियर को भी करना चाहिए, तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज इन सीमेंट सेक्टर यू कैन कंसीडर एज अ लोअर लॉक। अंग्रेजी में आ गया हूं आज फिर, के सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है मैपल लीफ जो है वो मेरे रह गया जहन से। देखिए सीमेंट सेक्टर के हालात दिन ब दिन जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं। अब जिन जिन्होंने डीजी खान को 108 पर खरीद रखा है, बहरहाल हमने कुछ ऑप्शंस जो हैं वो बयान कर रखी थी अपने दोस्तों से स्विचिंग के लिए। आपसे ये गुजारिश है कि आप इनका बगौर जायजा लें, और जायजा लेने के बाद एक चीज का ख्याल रखें कि जिस वक्त आपने स्विचिंग करनी है या आपने इसका कोई रिप्लेसमेंट तलाश करना है, तो वो आपने इस तरह से तलाश करना है कि वो शेयर भी ऑलरेडी डाउन हो
लेकिन डाउन होने के बाद वो थोड़ा सा रिकवरी के मूड में हो, देन आप उसको स्विच फरमाइएगा। अदरवाइज जितना इसमें डिक्लाइन आएगा उतना ही उसमें डिक्लाइन आ जाएगा, तो फायदा कुछ नहीं होगा और सिर्फ आपके ऊपर ब्रोकरेज का एक और जो है वो खर्चा पड़ जाएगा और आपके लॉस में मजीद इजाफा होगा। मेरा ये ख्याल है कि आज मार्केट के अंदर ये जो 300 पॉइंट्स निकले हैं उसमें सबसे ज्यादा किरदार शायद हमें सीमेंट सेक्टर का ही नजर आता है। केबल एंड गुड का भी अपनी जगह किरदार मौजूद है, लेकिन चूंकि वो सिर्फ चार कंपनीज हैं, चार में से भी दो में वॉल्यूम नहीं लगा, सिर्फ दो में वॉल्यूम लगा। लेकिन सीमेंट सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है, भारी भरकम शेयर्स हैं इसके अंदर, और ये सारा का सारा अच्छा खासा लोअर कैप्स इसने मारे हैं। देखिए लोअर कैप इसने दिखाए तो नहीं है, लेकिन जिस कदर इनमें डिक्लाइन हुआ है हम इन्हें लोअर को लॉक ही कंसीडर करना चाहिए। केमिकल सेक्टर के हालात अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है उसकी निस्बत तो उसमें बहुत अच्छा इजाफा है। लोटे केमिकल में 8 पैसे का इजाफा, GHGL भी ऊपर चला गया है, एंग्रो पॉलीमर केमिकल में 1.5 रुपए का इजाफा है माशाल्लाह, डेस्कॉन ऑक्सी कैम में 1 रुपए 27 पैसे का इजाफा है, इसको अपर कैप कंसीडर करना चाहिए। उसके अलावा बर्जर शर्जर आज नीचे चले गए हैं। देखिए बात करने का मकसद ये है कि चीजें जो हैं सीमेंट सेक्टर की वजह से ज्यादा डिक्लाइन का शिकार हमें नजर आ रही है। बाकी ये इंशाल्लाह सारी समरी देख लें, फिर एंड पे भी इसको मजीद एक बार देखेंगे। कमर्शियल बैंक्स को भी मार पड़ी है, लेकिन बैंक्स को उतनी मार नहीं पड़ी जितनी के सीमेंट सेक्टर को पड़ी है। सांबा बैंक जो है इसके हवाले से बहुत सारी बातें थी, एक साल पहले से बातें चल रही हैं, लेकिन आपको याद है कि हमने तो इसको मेरा ख्याल है 11 रुपए पे, हमने तो 11 पे बेच दिया था। अब बाकी लोगों को पता नहीं है कि वो क्या करते हैं। हबीब बैंक भी मजीद नीचे है, BOP भी 8 रुपए के करीब करीब जा रहा है, एलाइड बैंक में से भी 44 पैसे निकले हैं। लेकिन ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में मुझे कोई खास डिक्लाइन नजर नहीं आता, ये चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती हैं और चलती रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं जी, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इसके भी हालात सीमेंट सेक्टर से कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन उतनी मार नहीं पड़ी जितनी के सीमेंट सेक्टर को पड़ी। अब ये बार बार जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उतनी मार नहीं पड़ी जितनी सीमेंट सेक्टर को पड़ी है, इसका मतलब ये है कि मार्केट को आज डाउनवर्ड मूव जो करवाई है उसमें सीमेंट का सबसे बड़ा हाथ है। बाकी सब जो है उसके साथ साथ डिप्रेशन का शिकार हुए हैं और अच्छा खासा डिक्लाइन जो है वो मार्केट ने में देखने को मिला है। देखिए एक चीज जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है ना वो आप जरूर इसको समझें, अंडरस्टैंड करें। देखिए मार्केटें डिक्लाइन का शिकार होती हैं, शेयर्स की प्राइसेस नीचे आती हैं, लॉसेस जरूर होते हैं। लॉस किस वक्त होता है इस बात को आप जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। लॉस उस वक्त होता है कि जिस वक्त आपको कुछ समझ ना रही हो कि अब आगे क्या करना है और आप लॉस बुक करके साइड पे हो जाएं, लेकिन जब तक वो आपके शेयर्स लाइव रहते हैं और आप उसमें स्विचिंग के बारे में सोचते हैं या कुछ ऊपर नीचे करके ट्रेडिंग के हवाले से सोचते हैं, देन वो लॉस नहीं होता। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने आपसे एक गुजारिश की थी कि आपकी इस गिरती हुई मार्केट में अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो उसमें हम मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाए आपको मौका दे तो आप एक सर्टन लेवल पर शेयर को बेचें और जब वो शेयर नीचे वापस आए तो आप उसको बाय बैक करें और इस तरह से जो आपका लॉस है उसको कम करने की कोशिश करें। देखिए मार्केट से भागने का कोई फायदा नहीं होगा, एक चीज, और दूसरी चीज ये है कि यार पाकिस्तान के अंदर एवेन्यूज ही कितने हैं आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट के, उनमें सबसे बेहतर, सबसे रेगुलेटेड जैसा तैसा भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा
ठीक है, नेशनल सेविंग अपनी जगह मौजूद, सेविंग अपनी जगह मौजूद है बैंक्स के अंदर, आप ठीक है दें और लें, लेकिन रेगुलेटेड इदारा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ही है। इसलिए दूसरी इधर उधर के काफी सारे मामला अब देखने को मिल रहे हैं, उनसे जरा बच के रहिएगा, उन पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे ताकि फिर कोई लसानी ग्रुप ना खड़ा हो जाए। आगे चलते हैं जी, और ग्लास एंड सिरामिक में आज अच्छा सिलसिला देखने को मिला, फाइन जारी रहे। इंश्योरेंस के मामला ठीक हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, FNEL बहरहाल नीचे रहा, इसमें गोला शोला घूमता है इसलिए जरा एहतियात से। 786 में 28 पैसे का इजाफा, BIPL सिक्योरिटीज बहरहाल अपर कैप हुआ, क्यों हुआ कोई पता नहीं है। उसके बाद लीजिंग को छोड़ दें, लेदर की बात करें, सर्विस अपनी जगह कायम रहा, बाटा भी कायम रहा। मिसलेनियस में देखें तो आज हालात बहुत अच्छे हैं। शिफा के अंदर जो है वो कुछ इजाफा तो खास देखने को नहीं मिला, लेकिन चलें इसके अंदर वॉल्यूम का इजाफा जरूर हुआ है और ये अच्छी बात है। कुछ शेयर जो होते हैं ना वो अपने एंड पे आ जाते हैं, तो उनको वहां पर बाय करना चाहिए, वो आपको फायदा देते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी सिलसिला जूं का तू चला जा रहा है, सोचिए कि क्या करना है आपने। दुनिया में मार्केट, दुनिया में ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही है, पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और हमारी ही ऑयल कंपनीज जो हैं वो नीचे जा रही हैं। ये वो बात कुछ समझ में नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। आगे चलें जी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का भी बिल्कुल वैसा ही हाल है जैसा कि हमारी एक्सप्लोरेशन कंपनीज का है, लेकिन आप देखिए जो चीजें बॉटम टच कर चुकी हैं, नीचे फ्लोर पे खड़ी हैं, उनके ऊपर गौर फरमाइए। आपको पता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ पर कुछ बाइंग सेलिंग की कॉल्स ना दी जाएं, अगर कभी कुछ हो भी जाए तो हम जरा उसको अल्फाज वापस ले लेते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको मेरा ख्याल है कि समझना चाहिए। फार्मास्यूटिकल कल तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज भी कुछ खास खास अच्छा नहीं है आज भी, बल्कि आज तो बहुत कुछ निकला। IBL हेल्थ केयर में से भी निकले हैं पैसे, ग्लैक्सो छोटा 149 पे चला गया है, फिरोज में से 6 रुपए निकले हैं, AGP में से 3 रुपए निकले हैं। देखिए फार्मास्यूटिकल के हवाले से मैंने पहले भी एक दिन ये बात की थी कि देखिए फार्मास्यूटिकल जो है ना पाकिस्तान के अंदर, इसके शेयर बहुत बड़े हैं, शेयर बहुत बड़े हैं। 100 रुपए से छोटा शेयर सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक ही है जो सिटी फार्मा का है, लेकिन अगर आप इनका आउटपुट देखें, आपने अक्सर देखा होगा, और मेरे जो दोस्त अब मेरे साथ काम करते हैं वो अक्सर ये कहते हैं जी कि आप जो है वो फार्मा का कोई खास शेयर रिकमेंड नहीं करते, इसकी क्या रीजन है? देखिए इसके पीछे खास जो रीजन है वो ये है कि शेयर बहुत बड़े हैं, जब आप इनकी यील्ड देखते हैं, इनका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखते हैं, आपने तो परसेंटेज प्रॉफिट सर वो देखना है जो ये डिविडेंड की सूरत में देते हैं। अब जब वो डिविडेंड की सूरत में जो चीजें आपके जो है वो आपको फरमाते हैं कि जी ये ले लें, कोई एक एक रुपया, दो दो रुपए, 3 3 रुपए, जब आप उसकी यील्ड निकालते हैं सर, वो यील्ड की परसेंटेज बहुत कम है, जबकि इसके अगेंस्ट दूसरे सेक्टर्स के यही शेयर्स इनसे आधी प्राइस पर है और उनकी उतनी ही यील्ड है। तो फिर हमें कुछ थोड़ा सा चीजों को देखना पड़ता है। फिर आप ये देखिए ना कि 700 रुपए वाला शेयर गिरेगा तो कम से कम 7 8 रुपए तो निकालेगा, तो सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। और आपको मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि हर शेयर हर बंदे के लिए नहीं होता। फर्ज करें आपके पास 1 लाख रुपया है, अब 1 लाख रुपए में मैं आपसे ये कहूं कि आप फिरोज लेबॉरेटरीज खरीद लें, तो सर अगर उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आपको लॉस बुक करने के अलावा आपको कुछ समझ नहीं आएगी। ये मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहा कि फार्मा में काम ना करें, फार्मा में काम जरूर करें, आपके पोर्टफोलियो में एक आध शेयर जो है वो फार्मा का होना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर। आगे चलते हैं, पावर जनरेशन में अर्शद एनर्जी को छोड़ दें, एंग्रो पावर जिन कादरपुर आज कुछ खास नहीं रहा, लेकिन कल इसकी मूवमेंट बहुत अच्छी थी। हबको में 77 पैसे का इजाफा रहा, के इलेक्ट्रिक आज फिर नीचे, कैपको में से भी 35 पैसे निकले हैं, लाल पीर में से 11 पैसे, निषाद चूनिया पावर में से 9 पैसे निकले हैं,
और निषाद पावर में से कुछ खास 10 पैसे निकले हैं, 20 रुपए का शेयर है। पाकजिन पावर में देखिए, अब ये जितने भी हैं पावर, अब देखिए पावर सेक्टर के हवाले से मैं क्यों इतने अरसे से कह रहा हूँ कि ये अच्छे हैं, इसलिए कि सर जी इनकी यील्ड बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो यील्ड शील्ड निकाला करें और देखा करें इन चीजों को। पैसा आपका है सर, बड़ी मेहनत की कमाई है, तो सोच समझ कर इसको खर्च करना बहुत जरूरी है, वरना मार्केट तो अरबों रुपया खा जाती है। मार्केट ने क्या खाना है, जो बहुत बड़े वहां पर जो बैठे हैं वो खा जाते हैं, तो इसलिए जरा सोच समझ कर चलें। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में आज हालात काफी नीचे की तरफ रहे हैं यार, हैं। ऑक्टोपस ऊपर रहा, नया नया शेयर है ना, फिर वो ऐसी चीजें तो फिर देखने को मिलती हैं। टीआरजी और बाकी सारी चीजें डाउनवर्ड हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट में हालात ठीक हैं, स्पिनिंग में भी ठीक हैं, वीविंग में तो बहुत ही अच्छे हैं, टोबैको में भी हालात ठीक हैं। पाकिस्तान टोबैको में आज 5 रुपए का इजाफा रहा। ट्रांसपोर्ट में भी मिले जुले से हालात हैं, लेकिन इसमें कोई खास डिक्लाइन है हमें नजर नहीं आ रहा। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखिए कैंडल को डिस्कस करने से पहले मैं ये गुजारिश करता चलूं कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो मैसेजेस करते हैं, सवाल पूछते हैं। देखिए दो चीजें जो है ना वो बड़ी अहम होती हैं। जिस वक्त आप सवाल पूछें, बराए मेहरबानी अपना सवाल प्रिसाइज लिखा करें, उसके अंदर पूरी तफसील लिखा करें, और एक चीज का जरूर ख्याल रखा करें जो कि शायद मेरा ख्याल पहले मैंने कभी नहीं बयान की, वो ये है कि देखिए अगर आप एक बार सवाल पूछते हैं और फिर अगले दिन आप फिर पूछते हैं, अगले हफ्ते फिर आप फिर पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा ना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। आप कुछ सवाल पूछे, बेसिक सवाल पूछें या कोई भी सवाल पूछें, उसका आपको जवाब दिया जाता है, लेकिन अगर आपको रेगुलर अगर आप समझते हैं कि आपको चीजों की समझ नहीं आ रही, तो फिर मेरा ख्याल है आपको बकायदा तौर पर कुछ रेगुलर एडवाइस लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो उसके अंदर ये जरूर लिखा करें कि आपके पास कैश कितना है। माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा जो है वो सवाल पूछे जाते हैं, फिर हमारी कोशिश होती है कि उनको जवाब दिया जाए, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे टाइम देने के बावजूद भी बहुत सारे सवालात रह जाते हैं सिर्फ इस बिना पर कि उसके अंदर तफसील नहीं होती, और बाज़ औक़ात हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस करें। हम एक एक आध बार पूछ लेते हैं, फिर आगे से जवाब फिर कंप्लीट नहीं आता, तो फिर माजरत के साथ वो चीजें रह जाती हैं। ये मैं वीडियो के अंदर इसलिए बयान कर रहा हूँ कि देखिए हम मैनेज कर रहे हैं चीजों को, तो बाज़ औक़ात दोस्त अहबाब जो है वो मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि जी हमने सवाल पूछा आपने जवाब ही नहीं दिया, तो सर उसके पीछे काफी सारी चीजें कानफरमा होती हैं। आप भी थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करें, हम भी अपने आप को मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि ये इसका कुछ फायदा तो हो। आगे चलते हैं जी। आज जो है जी वो मार्केट ने 400 पॉइंट्स जो निकाले हैं वो बड़े डेंजरस निकाले हैं। हमारा तो ख्याल ये था कि मार्केट जो है वो 45,000 किधर गया भाई, एक मिनट जी, ये हमारी लाइनें कोई थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई हैं। हमारा ये ख्याल था कि मार्केट जो है वो कोई 45,300 तक जाएगी और वहां से जाके अपने आप को वापिस लेके आएगी, क्योंकि उससे जाती हुई मार्केट हमें ऊपर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट जो है वो वहीं से पलट गई जहां पर उसने कल क्लोजिंग दी थी। अब गुज़िश्ता आप 5-6 दिन की कैंडल्स को देखिए और उन कैंडल्स के साथ आज की कैंडल को कंपेयर कीजिए, तो सर जी आज की कैंडल डिक्लाइन का शिकार तो है, लेकिन उसके साथ साथ इस कैंडल के अंदर कोई होप नजर नहीं आ रही। मैं दोबारा फिर रिपीट करता चलूं, एक कैंडल जब बनती है जिस वक्त, चाहे वो अपवर्ड मूव की बने या डाउनवर्ड मूव की बने, हमने उस कैंडल को देखकर ये अंदाजा लगाना होता है कि इस कैंडल के अंदर आपको होप कितनी नजर आ रही है। तो आज की कैंडल के अंदर कुछ खास होप नजर नहीं आ रही, तो हो सकता है कि कल मार्केट जो है वो मजीद नीचे जाए और मार्केट में से कुछ 200-300 पॉइंट
मजीद निकलें। अब गुज़िश्ता एक हफ्ते की जो मूवमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये लगता है, जैसा कि मैंने कल भी बयान किया था, कि मार्केट रेंज बाउंड होती हुई नजर आ रही है और रेंज बाउंड मार्केट में, साइडवेज मार्केट में, मार्केट को 5-700 या ज्यादा से ज्यादा 1000 पॉइंट्स के अंदर घूमती रहती है काफी दिनों तक। अब मेरा ये ख्याल है कि शायद मार्केट जो है वो 44 और 45 के दरमियान घूमने के मूड में है। देखिए 44 अगर टूटा तो फिर बात जो है वो शायद 40 पे जाके रुके, लेकिन मार्केट का यहाँ पर कंसोलिडेट करना, मार्केट का इस लेवल को रिस्पेक्ट करना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। हमें अपनी, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि स्टॉक मार्केट चलती है इफ और बट के साथ, आपकी प्लानिंग भी इफ और बट के साथ होनी चाहिए। बट साहब नहीं, बट का मतलब होता है कि अगर मेरा ये शेयर यहां तक गया तो मैं इसको सेल कर दूंगा, अगर ये शेयर यहां तक गया तो मैं इसको बाय कर लूंगा, और उसको मार्केट के और मुल्क के हालात के साथ साथ उसको स्टडी जरूर करते रहा करें। स्टॉक मार्केट का बिजनेस एक ऐसा कारोबार है कि जिसका रोजाना जायजा लेना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि आप फाइल बंद करके बैठें और चंद दिन के बाद फाइल खोलें। आपको इसको रोज चेक करना चाहिए, चाहे रोज आपको ट्रेडिंग का टाइम ना भी मिले। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आजकल जो है वो हम कैंडल को कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए कि कोई नई किस्म की कोई कैंडल बनेंगी तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर हम तफसील से बात भी करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, और कोशिश ये करें कि आप जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका अपना बिजनेस है, कोई भी इदारा है, वहां पर अपने हिस्से का काम जरूर करें, क्योंकि अगर आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो कोई ऐसा आएगा जो आपके हिस्से का काम करेगा, और फिर शायद आपको शिकायत भी होगी कि वो ठीक नहीं कर रहा। क्योंकि मैं आज आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें से एक को पिन पॉइंट करना बड़ा आसान होता है कि जी ये काम ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जब उसी काम का की लगाम आपके हाथ में दे दी जाए ना, तो फिर वो आपसे भी नहीं होता। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर तो आप किसी चीज में इसलाह कर सकते हैं तो जरूर फरमाइए, जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता और अगर फर्ज करें कोई काम हो रहा है तो उसको रोकिए मत। खास तौर पर हमारे वो दोस्त अहबाब जो ऐसी जगहों पर काम करते हैं कि जहां से प्लानिंग्स होती हैं, चाहे वो मुल्क के लिए हो या आपके किसी इदारे के लिए हो, तो प्लानिंग वाले लोगों को ये इस चीज का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स रुके ना, जैसे तैसे भी हैं प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट होना चाहिए। बहरहाल ये बात जो थोड़ी सी मैंने आज की, ये काफी हटके है इससे तो, लेकिन अब चूंकि वो थोड़ा सा सिलसिला शुरू कर रखा है वीडियोस का दूसरे चैनल के लिए, तो इंशाल्लाह कल या परसों तक वो भी जो है वो आपको नामशम हम शेयर कर देंगे, तो वो भी सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहे। खुश रहें, आबाद रहें, वक्त जैसा भी हो अच्छा होता है, और हर वक्त अच्छा होता है, यकीन कीजिए। आप सिर्फ थोड़ा सा गौर फरमाइए, बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा है, जो माजी में गुजरा वो भी बहुत अच्छा वक्त था, और मैं दावे से कहता हूं कि आने वाला वक्त भी अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़।